सी पार्ट हम इसमें हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन सी पार्ट जीरो से पाई मैंने न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, एफ डैश एक्स आया बराबर कॉस एक्स। क्रांतिक बिंदु निकाले एफ डैश एक्स को जीरो रख करके, कॉस एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब एक्स बराबर पाई बाई टू जो इसके अंदर अंतराल के अंदर है। अब हमारा एक्स बराबर पाई बाई टू अंतराल जीरो से पाई के बीच को दो असंयुक्त अंतरालों जीरो से पाई बाई टू के बीच तथा पाई बाई टू से पाई के बीच में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में ये फलन कॉस एक्स जो है हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात एफ डैश एक्स जो है जीरो से बड़ा होता है, धन का होता है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान हो गया। अब इसी अंतराल के एक पार्ट में वर्धमान हुआ है, अब दूसरे में अगर ह्रासमान आ जाता है तो फलन न तो वर्धमान रहेगा न ह्रासमान। अगला देख लेते हैं इसमें पार्ट, और पाई बाई टू से पाई के बीच में हमने देखा तो फलन निरंतर cos x का मान जीरो से छोटा यानी ऋणात्मक होता है, अर्थात एफ डैश एक्स छोटा है जीरो से, तो इसमें ये निरंतर ह्रासमान हो गया। अब हमारा जो फलन है जीरो से पाई बाई टू में निरंतर वर्धमान है, पाई बाई टू से पाई में निरंतर ह्रासमान है, एक ही अंतराल जो है हमारा इंटरवल है उसी में दो टुकड़े हैं, एक में वर्धमान एक में ह्रासमान, इसलिए ये फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है।